क्या थोड़ा सा बेक का वेट बहुत ज़्यादा है इसलिए कम करना पड़ेगा। मिठाई उठाई ज़्यादा रख ली क्योंकि मिलेगा कि नहीं। पालकी भी है क्या यहाँ पे? ये 1000 रुपीज की रहती है। 1000 बूढ़े लोग बैठते हैं। नहीं नहीं हाँ। कैसा है ये जो तालुका है ना जुन्नर तालुका हाँ। इनके लिए प्रूफ दिखाने का हाँ। जुन्नर में रहते हो तो उनको फ्री में या जैसे आधार कार्ड आप दिखाइए जैसे गांव के हैं तो जा सकते हैं हमेशा। अच्छा भी है ये सुबह। जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं भारत त्रिपैदल रूबी सनोज इस समय अभी शिवनेरी में हूँ और शिवनेरी जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म स्थली है वहाँ पे हूँ और असियाना होटल में रात भर रुका हुआ था कल और आज। देख सकते हैं पूरा कपड़ा कैसे इधर से उधर सब कर दिया। अब सब चीज अच्छे से रख के इधर भी पूरा फैला दिया हूँ। सामान बहुत ज़्यादा है देख सकते हैं पूरा मेरा ही है। पूरा अब रख के और चल रहा हूँ। अथर्व फर्नीचर जो सर मुझको यहाँ पे रखवाए हैं लेके आए थे होटल में और वहाँ पे अब चल रहा हूँ उनके फर्नीचर पास में जो शॉप है बहुत बड़ा शॉप है उनका तो चल रहा हूँ आपको वहाँ पे मिलवा रहा हूँ सर से। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए। इस समय लयांतरी में पहुँचने वाला हूँ। 2.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर और है। देखिए अष्ट विनायक तीर्थ क्षेत्र लयांतरी गणपति देवस्थान। गणपति का आष्ट का मतलब 8 है जो धरती से निकले हुए हैं उनका। एक तो मैं पुणे में देख लिया था और एक यहाँ पे देखने को मिलेगा और ये देख सकते हैं बस स्टॉप है। यहाँ से लोग जा भी सकते हैं और वह मेन गेट है वहाँ से अंदर की तरफ जाएंगे लयांतरी में। लयांतरी जो बुद्धिस्ट आए थे यहाँ पे रहना उन लोगों का राज चलता था वहाँ से तो उसी जगह पे मैं चल रहा हूँ। आप लोग भी चलिए साथ में तो यहाँ से आगे की तरफ चलूँगा मैं। धीरे धीरे और पैदल आने के बाद रुक गया हूँ। थोड़ा सा बेक का वेट बहुत ज़्यादा है इसलिए कम करना पड़ेगा। मिठाई उठाई ज़्यादा रख ली क्योंकि मिलेगा कि नहीं आगे। और वो पहाड़ है वहाँ तक जाना है। देख सकते हैं टूरिस्ट ये इस समय बहुत आ रहे हैं तो वहाँ तक जाएंगे हम। गाड़ी आ रहा है जा रहा है। मैं एक पुलिया के सामने बैठा हूँ 2 मिनट बैठूँगा ज़्यादा नहीं बैठता हूँ क्योंकि ज़्यादा बैठने के बाद शरीर कहता है और बैठ जाओ इसलिए ज़्यादा मैं बैठूंगा नहीं। आगे की तरफ निकल रहा हूँ फिर 2 मिनट बैठने का बाद मिलता हूँ आगे थोड़े देर के बाद। इस समय हम लोग मंदिर पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे प्रसाद मिलता है बहुत ही अच्छा खाना मिलता है मैं ले रहा हूँ। यह है कि यहाँ के प्रेसिडेंट जो है टेम्पल का उनसे बात की जाऊँ तो अभी आ गए चावल दाल है दाल हाँ यह सब्जी है इधर इसको क्या बोलते सीरा हलवा हमारे यहाँ। अब मैं बैठ के खा के उसके बाद मैं आगे की तरफ चलूँगा। अभी घूमना बहुत ज़्यादा है खा के और उसके बाद चल रहा हूँ आगे की तरफ। अभी आएंगे कोई घुमाने के। आपका क्या नाम है? अनिल भाई। अनिल ये भी ट्रस्ट में है आप? जितेंद्र सर प्रेसिडेंट है वो हमारा अध्यक्ष है। हाँ प्रेसिडेंट नहीं है ऐसे ही। इसका खर्च कैसे चलता है ट्रस्ट पूरा खर्च कैसे चलता है? वो हमारे अध्यक्ष है आ रहे हैं प्रेसिडेंट सर उसके बाद बात कर रहे हैं आपसे। इस समय लयांतरी में तो पहुंच चुके हैं और यहाँ से रास्ता है और सुजन भाई मिल चुके हैं यह जितेंद्र सर के लड़के हैं और देख सकते हैं पूरा मैप है यहाँ का लयांतरी सिनेरी उधर सभी तीर्थ स्थलों का यहाँ पे मैप दिया गया है। श्री लयांतरी गणपति देवस्थान ट्रस्ट गोलेगांव ये विलेज का नाम है गोलेगांव और इसके अंदर अभी चलेंगे। और यह सुजन है क्या करते हैं आप सुजन भाई? मैं अभी ABM कर रहा हूँ। ABM फर्स्ट ईयर। किधर चले गए थे? और इनके फ्रेंड आपका क्या नाम है? ऋषिकेश। ऋषिकेश और कहाँ गए?
और कोई खाना? आपका क्या नाम है? हरियन। हम लोग चल रहे हैं ऊपर, देख सकते हैं बहुत जनसंख्या है यहाँ पे। देख सकते हैं यहाँ पे भी सीढ़ियाँ हैं और यह बहुत लंबी लंबी है, और लियांद्री बोलते हैं। और हम लोग चल रहे हैं ऊपर की तरफ। पालकी भी है क्या यहाँ पे? ये 1000 रुपीज फी रहती है। 1000? बूढ़े लोग बैठते। 1000 रुपया एक पालकी का? दो आदमी लेके जाते होंगे? एक ही बैठता है? नहीं, दो चार लेके जाते हैं। हाइट तो जो वृद्ध लोग हैं, ओल्ड ज्यादा हैं, उनको लेके जाया जाता है इस पालकी में। 1000 रुपया लगता है जाने के लिए। और टिकट काउंटर किस चीज़ का है? ये गवर्नमेंट का ऑफिस है। ऑफिस, क्योंकि ये हाँ, ये जो गणपति है हाँ, वो फॉरेस्ट एरिया में आता है हाँ, इसलिए ये ऊपर मतलब क्लीनिंग का वगैरह सब। अच्छा। टिकट निकालते हैं उसी पैसे से लेबर लोग को हाँ, पगार हाँ, क्योंकि क्लीनिंग सब क्लीनिंग के लिए यहाँ पर। कितना लगता है टिकट का? 25 रुपीज़। 25? 25 रुपये? हाँ, एक आदमी का 25 रुपये लगता है। अब बच्चों का? बच्चों का फिर है 24 वर्ष है, 15 साल से नीचे वाले को निःशुल्क है, और 14 वर्ष तक लगेगा। ये हम लोग का टिकट हो गया 25 का। मेरा ये भाई साहब सुजन भाई लिए है। हाँ चालू, हमारा मतलब। अरे जेल में नहीं जाएंगे आप? आप लोग का तो पास बना है? नहीं नहीं हाँ। कैसा है ये जो तालुका है ना हाँ, जुन्नर तालुका हाँ, इनके लिए प्रूफ दिखाने का हाँ, जुन्नर में रहते हो तो उनको फ्री में। या जैसे आधार कार्ड आप दिखाइए, जैसे गांव के हैं तो जा सकते हैं हमेशा। अच्छा भी है, ये सुविधा होना चाहिए, नहीं तो कोई काम हो ऊपर उसके लिए भी फिर टिकट कटाओ। हाइट कितना होगा डिस्टेंस इसका? डिस्टेंस से कुछ तो 300 कुछ तो। सिर्फ 300 मीटर? 300 सीढ़ी तो लंबी लंबी है। देख सकते हैं यहाँ वहाँ तक बना है। नहीं वो वहाँ पे आपको मिला था क्या बोलते हैं सिवनेरी में भी, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा है और बहुत अच्छा बनाया गया। 7वीं शताब्दी में बना है ना हाँ। लंबा जो बुद्धिस्ट जो होते हैं उनके पुजारियों को लंबा बोलते हैं, दलाई लामा। अभी मैं 2 साल से अधिक लगेगा मुझे घूमने में, अभी 1 साल 37 दिन। अच्छा, ये सीढ़ी कितना दिन हो गया बने हुए? इसको बहुत साल हो गया अभी, कम से कम बोतल हटा दी गया। नहीं तो जट्टा बोतल बन गई, बोतल तो पहले पड़ो गए। गणपति का जो टेंपल है वो किस पे? ऊपर ऊपर है। हमको लगा वो अलग है, यहाँ अलग एक ही में है। कब कितने बार चले जाते हैं आप लोग ऊपर? महीने में 2-3 बार जाते हैं। 2-3 बार जब चतुर्थी होती है हाँ। गणेश चतुर्थी आ जाए वो अभी। और देखिए यहाँ से कितना अच्छा दिखाई दे रहा। हाइट 1 किलोमीटर नहीं होगा, 700 मीटर होगा लसम थे। और देख सकते हैं पूरा यहाँ से विलेज का क्या नाम है नीचे वाला? गोलेगा गोलेगा उसके
हाँ जुन्नर, जुन्नर से तो मैं आ ही रहा हूँ। आज बारिश का मौसम है इसलिए वेदर उतना क्लीन नहीं है, और ऊपर जाना है हम लोग का, तो चल रहे हैं। ऊपर कोई भी शॉप नहीं रहेगा, दुकान नहीं रहेगा, पानी की सुविधा आपको अवेलेबल रहेगा। जैसे रायगढ़ फोर्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे छोटा छोटा शॉप लगेगा, उधर जाके होगा क्योंकि वो हाइट भी 3 या 4 किलोमीटर है। मैं गया था वहाँ पे, और उसको पानी पहुँचाना इतना आसान चीज नहीं है। उधर जाके आए तो? हाँ जाके आया। सिंहगढ़? नहीं सिंहगढ़ मैं नहीं जा पाया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मुझे पता नहीं था किले के बारे में। रायगढ़ से मुझे शौक था किलो के, पहाड़ में भी मैं नहीं गया पाया। जा देख सकते हैं यहाँ पे बंदर ये सब बंदर नहीं चाहते थे। हाँ। पर कैसा लॉकडाउन में सब बंद था इसलिए उनको खाने को कुछ नहीं था। फिर बाद में हमने ऐसा सोचा कि अभी खेत में वानर पपाया हाँ। सब आते वो लेके इनको देते लॉकडाउन में आके इधर देते थे हर रोज। अच्छा काम कर रहे हैं आपके पापा जी, अच्छा काम कर रहे हैं। यह है कि सबसे ज़्यादा पिताजी से सीखने को मिलता है। हाँ जैसे आपके पिताजी जैसे करते हैं वैसे भी आप भी कर रहे हैं तो अच्छा है। ज़रूर। देखिए वो छीन लिए थे बंदर से, वो कैरी बैग छीनते हाँ, हाथ खाने को नहीं मिलता ना हाँ, इसलिए वो छीन हाथ भी बांध के रखेंगे तो तुरंत छीन लेंगे। अब सीढ़ियाँ छोटे छोटे हो गए क्योंकि हाइट पे जब जाना होता है तो छोटी हो जाती है। होगा हाँ। इस समय थोड़ा कम हो गया। इसका बाउंड्री लगा है कि नहीं? करते करते धीरे धीरे। जैसे बाउंड्री इसका लगा है कि नहीं? लगा है ना? लगा है हाँ, वो वाला है। बाउंड्री जरूरी है, नहीं तो घर बना लेंगे पूरा। जैसे वहाँ पे भी बना हुआ सिर्फ नहरी में, लेकिन वहाँ पे सीनरी में नहीं दिखाई दिए एक भी मंकी। नहीं उधर नहीं है, इधर है। देखिए बच्चों को लेके चलना, अपना शरीर और बच्चों को लेके चलना। होती है हा? सर आ गए ऊपर, थक गए। देखिए उस साइड मौसम थोड़ा सा खराब हुआ है बारिश आने का है। उधर उस साइड वाटरफॉल एरिया ज्यादा है उधर हाँ। इसलिए और आ गए हम लोग ऊपर। देखिए अभी ऊपर रह गए, वो नीचे रह गए। हम लोग ऊपर आ गए हैं, दो लोग पीछे रह गए। जल्दी पहुंचने वाले हैं हम लोग ऊपर।